मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि डीआईजी शलभ माथुर के आदेश पर जिले भर में चलाए जा रहे संदिग्ध लोगों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर अनूप सिंह, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गजेंद्र सिंह के साथ थाना सिविल लाइंस पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। टीम के साथ कल रात महलकपुर में आते जाते वाहनों की तलाशी ले रहे थे, इसी दौरान उन्हें एक वाहन पर युवक आते दिखाई दिए। टीम ने जब उनके वाहन के कागजात व नंबर प्लेट के साथ चेसिस नंबर चेक किया तो सभी फर्जी पाए गए। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया व सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर अनूप सिंह ने जब पकड़े गए युवक थाना कांट के इलाके घोसीपुरा निवासी वाहन चोर गुलफाम से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर दो वाहन जिसमें की स्कूटी और बाइक है बरामद कर लिए गए हैं। इन दोनों वाहनों की नंबर प्लेट बदली हुई पाई गई है, जिसे ये बेचने का प्रयास कर रहा था। पकड़े गए गुलफाम से उसके अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि एक चाकू भी आरोपी के कब्जे से पुलिस को मिला है। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि इसके अलावा अन्य तीन और वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम उत्तराखंड निवासी बलवेंद्र, बाजपुर निवासी विक्रम सिंह और यहीं के रहने वाले बलजीत बताए जाते हैं। इनके कब्जे से 5 बाइक, 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। एसएसपी हेमराज मीना ने हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान को बताया कि इनके निशाने पर जिला मुरादाबाद था और उत्तराखंड के जिले में ये वाहन बेच दिया करते थे। कुछ वर्ष पूर्व एक फिल्म अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की रिलीज हुई थी, जिसमें जॉन अब्राहम एक पिज्जा शॉप में अपने गैंग के साथ डिलीवरी बॉय दिखाया गया था। जिस तरह फिल्म में ये डिलीवरी बॉय चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, उसी तरह पकड़े गए बलजीत बलवेंद्र भी जोमैटो कंपनी में काम करते थे, जो काम मात्र दिखाने के लिए था। इनका असली काम फिल्म धूम की तरह जॉन अब्राहम के साथियों के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम देने का हुआ करता था। जोमैटो में काम करने के साथ ये लोग देख लिया करते थे कि कौन जल्दबाजी में अपनी बाइक को लॉक करना भूल गया है और इस गैंग के लोग उसी वाहन को चुरा लिया करते थे। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि इस वाहन चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा। एसएसपी ने अपनी ओर से पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि जो विशेष तौर से सिटी क्षेत्र से और सिविल लाइन थाना क्षेत्र से वाहन चोरी की घटनाएं ज्यादा हो गई थी। उसी पर थाना सिविल लाइन की टीम और क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन और एसपी सिटी साहब को निर्देशित किया गया था। उनके नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही थी। ये जानकारी मिली कि जो चट्टा का पुल है और महलकपुर रोड फैक्ट्री एरिया है, वहाँ पर कुछ लड़के हैं जो कि मोटरसाइकिल बेचने और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो उसी पे आज 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। एक बलवेंद्र सिंह पुत्र बलवेंद्र सिंह है, ये थाना बनाखेड़ा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य से हैं। दूसरे हैं विक्रम सिंह पुत्र शेर सिंह, ये थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर, ये भी उत्तराखंड से हैं। और तीसरे हैं बलजीत पुत्र हरवेश सिंह, ये भी थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर से हैं। और एक गुलफाम है पुत्र मोहम्मद इरफान, ये थाना काट जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और ये सभी जो लड़के हैं ये 20 से 22 साल की उम्र के हैं। और ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा लगातार यहाँ से जो गाड़ियाँ चोरी करके और उत्तराखंड में बेची जा रही थी, आज इनके पास से 7 जो गाड़ियाँ मिली उनमें से एक स्प्लेंडर है, एक होंडा एक्टिवा है, एक जो बजाज की मेस्ट्रो जो स्कूटी है वो है, और इसके अलावा 4 HF डिलक्स मोटरसाइकिल इनके पास से मिली है। और जब इनसे जब डिटेल में हम लोगों ने पूछताछ किया है तो ये जानकारी मिली थी कि ये लोग पहले इसमें काम करते थे जोमेटो में और इसमें और डिलीवरी बॉय का काम करते थे। और जब इनको जैसे पता चलता था कि इन्होंने देखा कि वहाँ पे है डोमिनोज और इनके सामने जो लोग हैं जो सामान खरीदने आते हैं जो पिज्जा और वगैरह लेने, तो उसमें ये लोग देखते थे कि कुछ लोग जल्दबाजी में गाड़ी के बिना लॉक किए चले गए या चाबी छोड़ के चले गए, उन्हीं गाड़ियों को ये टारगेट करते थे और उसके बाद वहाँ से चोरी करके और फिर इनको उत्तराखंड में ले जाके 20 से लेके 50 हज़ार तक के दामों में ये लोग जैसी गाड़ी होती थी जिस तरह की गाड़ी होती थी उनको बेचते थे। और बाद में फिर उनको बोला जाता था कि आपको पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे और कई लोगों ने इनसे करीब 50-50 हज़ार रुपये भी देकर गाड़ियाँ खरीदी हैं। तो इस तरीके से ये जो एक गैंग है ये काफ़ी सातिर तरीके से काम कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सभी लोग पहले डिलीवरी बॉय का काम भी कर रहे थे, लेकिन लालच में इन लोगों ने इस तरह की जो घटना है उसको ये अंजाम दिया। और 7 गाड़ियाँ इनके पास से मिली हैं, बाकी की जानकारी की जा रही है कि और भी इनके द्वारा गाड़ियां हो सकता है कि चोरी की और भी इनके साथी हो सकते हैं। तो